ऊंची धाम रामेश्वरम, और ये है रामेश्वर धाम, और ये पड़ता है श्योपुर जिले के अंदर। ये श्योपुर से 45 किलोमीटर दूर पड़े। आज हम आए थे रामेश्वर धाम घूमने के लिए, और इसको चतुर्भुज जी के धाम के नाम से भी जाना जाता है, और ये है श्योपुर से 35 किलोमीटर दूर, जो मानपुर थाना पड़ता है, तो वहीं पास में 3-4 किलोमीटर मानपुर से और चंबल नदी पे बना है ये चतुर्भुज जी का धाम। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा है उस पर बना हुआ है, और उस साइड में आप लोग देखोगे तो उधर पड़ेगा राजस्थान, उधर ये राजस्थान है और इस साइड में ये MP है। तो दोनों तरफ मान्यता है कि यहाँ पर जिस प्रकार से गंगा जी में नहाते हैं तो उसका जो पुण्य मिलता है वो यहाँ नहाने से उतना ही पुण्य मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 3 नदियाँ आकर मिली है। उधर राजस्थान की साइड में आप देखोगे तो बनास नदी है, सामने जस्ट आप देखोगे तो बनास नदी आई है, और ये जो निकली है ये चंबल नदी है, और ये कोटा से निकल के आई है इधर, और इस साइड में जो देखोगे तो यहाँ पे आई है ये सीत नदी, ये श्योपुर से निकल के आई है इस साइड में। इन 3 नदियों का संगम है स्थान है ये, इसलिए इसको त्रिवेणी नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर गांधी जी की जो अस्थियाँ हैं उसका विसर्जन भी किया था, तो फरवरी में उसको हर साल मनाया जाता है। और यहाँ पर कार्तिक माह की पूर्णिमा में मेला लगता है, और अभी 4-5 दिन बाद में मेला लगने वाला है, तो उसकी तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही है। घाट बने हैं दोनों साइड में, और MP की तरफ से जो वोटिंग होती है तो वोट के माध्यम से राजस्थान में चतुर्भुज जी धाम, यहाँ पर भगवान राम का उनके द्वारा बनाया गया मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पर दर्शन करने के लिए MP की तरफ से जाते हैं, वहाँ पर दर्शन करके और बोट के माध्यम से ही लोग भाग वापिस आ जाते हैं। दोनों बॉर्डर पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इस साइड में महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। ये बोट लगी है यहीं के किनारे से, आपको राजस्थान में पहुँचा देगी। उधर चतुर्भुज जी का भगवान राम के द्वारा बनाया गया मंदिर है, और बहुत सारे वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। और दूसरा, यहाँ पर घड़ियाल क्षेत्र इसको घोषित किया गया है, यहाँ पे चंबल नदी में घड़ियाल प्रजनन किया जाता है। जो घड़ियाल है जो विलुप्त होती जा रही जो प्रजाति है उसको संरक्षित करने के लिए यहाँ पर घड़ियाल को छोड़ा गया है, और यहाँ पे शिकार करना और यहाँ पर फिशिंग करना सब मना है, ताकि जो घड़ियाल है उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ सके। और यहाँ पे दूर दूर से लोग भगवान चतुर्भुज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे गांव से ये लगभग 40-45 किलोमीटर पड़ता है, तो यहाँ आज हम लोग आए थे स्नान करने के लिए, स्नान हम लोगों ने कर लिया है, अब ऊपर जाके भगवान शिव का जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर जलाभिषेक करेंगे। ये MP की तरफ का किनारा है, और यहाँ पर भी मंदिर बने हुए हैं, और इस साइड में आप लोग देखोगे तो ये राजस्थान का किनारा है, तो उस तरफ भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। भगवान चतुर्भुज जी का मंदिर जो भगवान राम के द्वारा बनाया गया था वो राजस्थान की तरफ में है, यहाँ पर बोट के द्वारा और उस साइड में चले जाते हैं। यहाँ तक आवाज क्यों कैसे आ रही है? लेकिन बोट के माध्यम से जो MP की तरफ के जो यात्री है वो राजस्थान में बोट के माध्यम से उस साइड में जाते हैं, वो दर्शन करके इसी बोट से वापस लौट के आ जाएंगे। प्रदेश की तरफ ये जो रामेश्वरम धाम है, तो यहाँ पर ये बना है प्राचीन श्री रामेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा है और उनका शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है, और सामने नंदी महाराज है उनका मंदिर है ये। और जो भी लोग मध्य प्रदेश की तरफ से ये रामेश्वर घाट त्रिवेणी
संगम में स्नान करने के लिए आते हैं वो यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं स्नान करने के बाद में। तो ये मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर ये भगवान नंदी जी है और भगवान शिव की ये शिवलिंग बना हुआ है। तो यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। में ये एक छतरी बनी हुई है और इस छतरी के अंदर भगवान शिव की ये शिवलिंग बनी हुई है और पास में ही नंदी महाराज बने हुए हैं। इस प्रकार की जो छतरी है ये एक है सबसे बड़ी यहाँ पे चतुर्भुजी में मध्य प्रदेश साइड में, और कुछ चबूतरे बने हुए हैं जहाँ पर शिवलिंग है और नंदी महाराज है। ये अब धीरे धीरे थोड़े खंडित होते जा रहे हैं। इस प्रकार से ये तीन चबूतरे यहाँ बने हैं और एक ये छतरी बनी है और एक पासी में मंदिर बना हुआ है जिसका अभी हम लोगों ने दर्शन किए थे। वो पासी में ये चंबल नदी यहीं से निकली हुई है।